चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनवरी महीने में कारों की मंदी के बाद ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है। कार के शौकीन कार की बजाय अब एसयूवी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आखिर बाजार में ऐसा क्या बदलाव आ गया जिसकी वजह से एसयूवी की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में सदैव उतार चढ़ाव देखा जाता रहा है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कंपनियां अपनी नई सोच और तरीकों से बिक्री की समस्याओं से निजात पाती रही हैं। वहीं हाल ही में पेट्रोल कीमतों में आई उछाल के चलते बीते कई महीनों में वाहनों की बिक्री में कमी दर्ज की गई थी, जिसका सीधा असर कंपनियों पर पड़ा। अब भारत में वाहन निर्माता कंपनियां एसयूवी की तरफ अपना रुख कर रही हैं। भारतीय कार बाजार में एसयूवी की मांग बढ़ी है। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनियों के जानकारों का मानना है कि वाहन कंपनियों ने निर्णय लिया है, यदि बिक्री को बढ़ाना है तो हर साल कम से कम एक एसयूवी लॉन्च करना जरूरी है। एसयूवी में अभी एक्साइज कम होने से करीब 25 से 50 हज़ार तक इफेक्ट आएगा और इससे ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्रोथ होनी चाहिए। नेचुरली एसयूवी की डिमांड बढ़ेगी, जितना प्राइस अभी कम हो जाएंगे तो हमारे रिटेल में भी फर्क पड़ेगा, अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, यही उम्मीद कर रहे हैं। अभी नई प्राइजेज आई नहीं है, उसके आएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या होता है। हमारी शोरूम सेल्स में भी फ़र्क पड़ेगा नेचुरली, एक बार प्राइस आ जाए उसके बाद हम कस्टमर को फिर रिकॉलिंग वगैरह कराएंगे तो अच्छा सेल में इम्प्रूवमेंट होगा। एसयूवी में बेटर होगा, कार में भी होगा लेकिन एसयूवी में बेटर होगा। 15वीं लोकसभा के अंतरिम बजट में जहां केंद्र उत्पाद शुल्क में कटौती के जो संदेश दिए गए, जिससे इस साल अंत तक भारतीय कार बाजार में ज्यादा से ज्यादा एसयूवी देखने को मिल सकती है, वहीं फिलहाल वाहन निर्माता एसयूवी लॉन्च कर बाजार में एक बेहतर उपहार देने की कोशिश में लगे हैं। जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इस साल के अंत तक एक एसयूवी W210 लॉन्च करने जा रहा है। कार की सेल्स पे अच्छा असर पड़ेगा, जिससे आशा की जाती है कि कार की जो ग्रोथ जो मार्केट ग्रोथ है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी तक कार मार्केट थोड़ा सा नीचे था। अब गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट भी किया जाता था कि वो एक्साइज कम करें और उन्होंने कर दी एक्साइज, इसमें कस्टमर्स के लिए बहुत लाभदायक है और कार इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छे। मैं सफारी लेना है, स्टॉर्म लेना आया हूँ, तो उसमें जो सरकार ने आज जो डिस्काउंट बजट निकाला नया उसमें एक डिस्काउंट मिला है जो 50,000 का मिल जाएगा, वो मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा और इसके हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। एक समय था जब कारों के बाजार में गिनी चुनी कंपनियां ही थी, लेकिन जैसे जैसे देश विकास के सोपान निर्धारित कर रहा है उसी को देखते हुए देशी और विदेशी कंपनियां यहां अपना बाजार बना रही हैं। भारतीय ऑटो बाजार में छोटी कारों का बोलबाला हमेशा से रहा है, लेकिन अब एसयूवी के बाजार में काफी कंपटीशन आ गया है। वहीं कारों के जानकारों का मानना है कि पिछले महीने एसयूवी की बिक्री में जहां 17.5% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो कि पिछले 4 साल में सबसे बड़ी मासिक गिरावट रही, लेकिन इस साल की शुरुआत में जो संकेत आ रहे हैं उससे लग रहा है कि एसयूवी का मार्केट एक बार फिर उछाल मारेगा। वहीं अंतरिम बजट में एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए खुशी की बात है। जहां भारतीय बाजार में एसयूवी की बिक्री पिछले महीने के हिसाब से बढ़ने लगी है। नया बजट आया है, इसमें प्राइस जो गाड़ियों की कम हुई है इससे रिस्पांस तो अपने को मिल रहा है मार्केट में भी। अपनी जो इंक्वायरियाँ जो है इंक्वायरियाँ बढ़ी हैं, कस्टमर जानना चाह रहा है कितनी प्राइस कम हो गई। प्राइस कम होने से कस्टमर का जो मानस बन रहा था, जो मार्च में लेना चाह रहे थे या मार्च के बाद जो लेना चाह रहे थे गाड़ियाँ, तो उनका ये मानस ये है कि अगर प्राइस अच्छी खासी अगर कम हो जाती है तो हो सकता है फरवरी में लेने का उनका विचार बन जाए। बाजार के जानकारों का मानना है कि अंतरिम बजट में छोटी कारों, मोटरसाइकिलों और व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को मौजूदा 12% से घटाकर 8% किए जाने से एसयूवी की बढ़ती मांग को और बढ़ाएगा। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के जानकारों का मानना है कि एसयूवी की बढ़ती मांग की एक वजह ये भी हो सकती है कि इसमें कारों के मुकाबले ज्यादा स्पेस होता है। वहीं एसयूवी की बॉडी और टायर इतने मजबूत होते हैं कि इसे किसी भी रास्ते पर ले जाया जा सकता है। राजस्थान की बात करें तो प्रदेश ने देश को जाने माने सीए और सीएस दिए हैं, जिनका देश की आर्थिक उन्नति में विशेष योगदान रहा है, या यूं कहें कि राजस्थान को सीए और सीएस की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आखिर क्यों
क्यों बनते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा सीए और सीएस, जानते हैं गुरु शिखर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अरुण कुमार जैन से। राजस्थान में ज्यादा सीए बनने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि पुराने टाइम से बिजनेस माइंड एरिया रहा है, मारवाड़ी बिजनेस में बहुत अच्छे रहे हैं, तो जो मारवाड़ी बिजनेस में अच्छे रहे हैं तो उनका झुकाव हमेशा से बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज की तरफ रहा है अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए। अकाउंटेंसी बिजनेस में, फाइनेंस बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है, किसी भी बिजनेस की सक्सेस में फाइनेंस एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। तो बीइंग ए मारवाड़ी कम्युनिटी और राजस्थान का बिजनेस माइंडेड होना, लोगों का बिजनेस माइंड होना, उनको बिजनेस कोर्सेज की तरफ ज़्यादा आकर्षित करता रहा है, तो उनका ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा रहा। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी कम्युनिटी का ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा हो जाता है तो उसके पास एक कंफर्ट एरिया बन जाता है, उनके लोगों के पास, उनके बच्चों के पास में वो कंफर्ट एरिया बन जाता है, सुविधाएं डेवलप हो जाती हैं, ईजीनेस डेवलप हो जाती है, कोर्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ जाती है। तो इन सब ने मिल के राजस्थान को सीए और कमर्शियल और कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज के अंदर एक फैक्ट्री में बना दिया। कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज कभी भी इनस्टेबल तो कभी भी नहीं हुए, क्योंकि फाइनेंस तो कभी जा ही नहीं सकता, तो बिजनेस का कोई भी फंक्शन कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन फाइनेंस फंक्शन तो कभी भी कम नहीं हो सकता। और उसकी रिक्वायरमेंट, उससे जुड़े हुए लोग, उसके एक्सपर्ट्स, उनकी डिमांड और उनकी ज़रूरत, उनकी नेसेसिटी, वो कभी भी कम नहीं हो सकती, तो वो तो हमेशा रहेगी। तो मैं तो नहीं मानता कि इसमें कोई इनस्टेबिलिटी आई है, ना ही कभी आएगी। सीए और सीएस दोनों कोर्सेज अलग हैं। सीए कोर्स के अंदर सबसे पहले तो जो एक स्टूडेंट है, जो भी सीए कोर्स करता है, उसमें दो तरह के एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं, चाहे तो वो खुद अपना काम करे या फिर वो चाहे तो कहीं सर्विस करे कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह के अंदर। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके अंदर टैक्सेशन से रिलेटेड या फिर फाइनेंस से रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, ऑडिटिंग की फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, फाइनेंस की फील्ड में हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, और अगर कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि वो खुद प्रैक्टिस करे तो अपनी खुद का काम वो कर सकता है चालू, तो दो तरह की वो अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास अवेलेबल रहती है, वो फ्रीलांसिंग कंसल्टेंसी दे सकता है या फिर किसी कॉरपोरेट में जॉब कर सकता है। कोचिंग्स हमेशा से किसी भी व्यक्ति की जो दिखने वाली योग्यता है उसको निखारती है, और जो छिपी हुई योग्यता है उसको पहचानती है। तो छिपी हुई योग्यता को भी पहचानती है और दिखने वाली योग्यता जो है उसको और ज़्यादा पॉलिश करती है। तो कोचिंग इंडस्ट्री हमेशा से ही, या कोचिंग की जो फ़ायदे हैं किसी भी फील्ड में नकारे नहीं जा सकते। आप कोचिंग को अगर देखते हैं तो कोचिंग कोई स्टूडेंट जो किसी पर्टिकुलर चीज़ में कमज़ोर है, कोचिंग के ज़रिए वो उसको शार्प कर सकता है, या फिर उस व्यक्ति की कोई छिपी हुई प्रतिभा है कोचिंग उसको निखार सकती है। ये सिर्फ सी एस सी एस बनने में नहीं है, ये लाइफ के हर पहलू के अंदर है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है। गुरु शिखर, जैसा कि नाम से पता लगता है कि आपको सर्वोच्च बनना है, और गुरु के साथ तो हम गुरु और गुरुओं में शिखर पर, और हमारे साथ जो भी है वो सब शिखर पर। हम बात करें सीए और सीएस के अंदर, तो सीए के अंदर बहुत हमारे अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं हमारे पास। पिछले 4-5 सालों से लगातार सीपीटी अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक्स हमारे स्टूडेंट्स ने हमेशा पाई है। 2010 में टॉप 10 रैंक्स में से 3 रैंक हमारे इंस्टीट्यूट में से हमारे स्टूडेंट्स ने पाई है। उसके बाद 2010 में, 11 में, 12 में, 2009 में, उससे पहले हम ऑल इंडिया रैंक्स देते आए हैं। पिछली बार आईपीसीसी के अंदर हमारे दो स्टूडेंट ने टॉप 50 के अंदर अपनी जगह बनाई थी। उससे पहले आईपीसीसी सीए के अंदर ऑल इंडिया सेकंड रैंक हमारे स्टूडेंट ने पाई थी। सीएस फाउंडेशन की हम बात करें तो पिछले अटैम्प्ट 2013 के अंदर हमारे स्टूडेंट ने ऑल इंडिया 17th रैंक पाई। उससे पहले हमारे एक स्टूडेंट ने 25th रैंक पाई। तो हमेशा से ऑल इंडिया रैंक्स पाते आए, और उससे ज़्यादा खास बात यह है कि रैंक्स दिलाना या रैंक्स लाना स्टूडेंट का अपना मेहनत और कोचिंग के प्रयास है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं उन लोगों ने भी हमारे पास में बैठ कर सफलता प्राप्त की है। 50% 45% 12th में लाने वाले स्टूडेंट आज सी फाइनल में हैं, तो सफलता दिलाना उनको भी ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। स्टूडेंट को कोचिंग लेनी है तो उसके पास बहुत आसान तरीका है, उसके पास सबसे आसान तरीका यह है कि उसको ये पता होना चाहिए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है वो क्या अच्छी फैकल्टियाँ उसके पास है, अच्छे नोट्स उसके पास है, क्या लोगों ने उसको जांचा परखा है, और क्या वो हमें रिविजन क्लासेस वगैरह दे पाएगा, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ना सिर्फ रैंक्स दिलाने में बल्कि एवरेज स्टूडेंट्स को भी पास कराने में, क्योंकि रैंक्स कुछ ही स्टूडेंट्स की आती है लेकिन क्या एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर भी उसका उतना ही फोकस है। तो ये सभी चीज़ों को उसको ध्यान में रख के निर्णय लेना चाहिए कि इन सब चीज़ों को जो परफेक्टली पूरा कर रहा हो
आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते। चलिए सप्ताह की बिजनेस खबरों में फिलहाल इतना ही। हम आपके लिए बिजनेस की दुनिया की हर हलचल को लाने का प्रयास करेंगे, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बिजनेस की हलचलों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।